अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? अनुरोध किया है, अरे मैं जगह नहीं यार, वो सुविधा दें हमारे लोगों को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग अब तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब तक इस मुद्दे पर चुप थे। जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख वही बयान दे रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी। क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, आपको दिखाएंगे बताएंगे। और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब तक उनकी कैबिनेट के कई सारे मंत्री इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि यदि सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो हम इस आग्रह को मान सकते हैं। और क्या बड़ी बातें कही नीतीश कुमार ने, ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आज सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया और कहा कि सीबीआई जांच कराने का आदेश दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत का भी कोई गॉडफादर नहीं था, हमारा भी कोई गॉडफादर नहीं है, आप लोगों की मदद करते हैं, इसलिए हमें आपसे अपेक्षा है कि आप इस मुद्दे पर हमारी भी मदद करेंगे। देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं। इससे पहले भी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी दो बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। देखना होगा कि सीबीआई जांच का अगर आदेश आता है तो वो बिहार सरकार सिफारिश करती है या केंद्र अपने स्तर पर संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का आदेश देता है। फिलहाल क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और क्या कहा है नीतीश कुमार ने, आइए पहले इस पर नजर डालते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता कहेंगे तो राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट को इस काम के लिए लगाया गया है, मजबूती के साथ जिम्मेदारी को निभाया गया है। नीतीश कुमार ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में केस दर्ज कराया है, पुलिस का काम है उस पर जांच करना, ये हम लोगों का रोल नहीं है। जिन्होंने केस दर्ज कराया है अगर वो कहेंगे तो तभी राज्य सरकार आगे कुछ एक्शन लेगी। इस जांच में दो राज्य के बीच झगड़े का सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर सुशांत के पिता की ओर से मांग की जाएगी तो प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। उनके पिताजी ने केस दर्ज किया और पुलिस का काम है उसी पर इन्वेस्टिगेट करना और आगे कदम बढ़ाना। ये बिहार का कोई पुलिस का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है कि हम सीबीआई की बात करें, वो इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, अगर जो केस दर्ज किए उनकी तरफ से अगर सुनाया कि मामले को सीबीआई को सपोर्ट किया जाए तभी ना उसके बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ आगे उनके सुझाव पर कुछ कर सकते हैं। यानी कि परिवार वाले अगर डायरेक्ट मांग करें, परिवार नहीं पिताजी जो केस किए, पिताजी हाँ पिता ने केस किया, ठीक है, FIR दर्ज हुआ है जी। और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोर्ट में चला गया कि भाई इसको महाराष्ट्र को सौंप दिया गया तो वहां पर बिल्कुल एडवोकेट ने उसने बता दिया कि हम लोगों ने पिटीशन दे दिया कि हम लोगों की बात भी सुनी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो सीनियर एडवोकेट वहां पर राज्य सरकार की तरफ से अपनी बात रखेंगे, ये बहुत क्लियर है। तो हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस जो सहयोग नहीं कर रही है उसको लेके क्या महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे? भाई इतना बात हो गया, इसके बाद इसमें करना चाहिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और ये पूरी केस कर दिया कि बिहार की पुलिस का नहीं रोल, बिहार की पुलिस का बिल्कुल लीगल रोल है, अगर FIR दर्ज होगा तो बिहार पुलिस को करना है जी। और ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में तो जहां कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए हैं तो मदद करनी चाहिए लोगों को, ये सबका ड्यूटी है। तीनों बात बहुत क्लियर है, समझ गए ना। और स्टेट का तो रोल वही है, अब FIR हुआ तो पुलिस का रोल है, और अगर कोई लीगल इश्यूज आएगा तो एडवोकेट जनरल और लॉ देखते हैं इस बात को, तो हर तरह से सक्रिय।
वहीं पूरे मामले में ऐसी मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस का कहना है कि हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है, वो सुविधा दें हमारे लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की। सुशांत की आत्महत्या के मामले में उनके पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी जांच के सिलसिले में बिहार पुलिस का एक दल इन दिनों मुंबई के दौरे पर है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करने में मुंबई पुलिस की दक्षता पर सवाल उठाने की कोशिशों की निंदा करते हैं। अभिनेता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की बढ़ती मांग के बीच उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है। ठाकरे ने शुक्रवार को विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा नेता मामले की जांच करने में मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर संदेह जता रहे हैं, जबकि वह खुद 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठाकरे ने एक मराठी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा, देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए कि यह वही पुलिस है जिसके साथ उन्होंने 5 वर्ष तक काम किया है। इससे पहले फडणवीस ने कहा था कि राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन के पहलू से जांच के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन राज्य की उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस कोरोना योद्धा रही है और उसके कई कर्मियों की इस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता पर सवाल उठाना उनका अपमान करना है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर किसी के पास इस मामले से संबंधित सबूत हैं तो वह मुंबई पुलिस को सौंप सकता है। उन्होंने कहा, हम जांच करेंगे और दोषी को सजा देंगे। बहरहाल कृपया करके इस मामले को महाराष्ट्र बनाम बिहार का मुद्दा नहीं बनाएं, यह सबसे निंदनीय बात है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी हाल ही में कहा था कि मुंबई पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है और मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि जब तक उनके पास राज्य के लोगों और शिवसैनिकों का समर्थन है, तब तक उन्हें अपनी सरकार के टिके रहने की चिंता नहीं है। उन्होंने पूछा, भाजपा कहती है हमारी सरकार जनादेश के खिलाफ बनी, तो फिर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करना क्या जनादेश है? शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा अब अलग हो चुके हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनकी पार्टी क्या करती है। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा, हम 30 वर्ष तक भाजपा के साथ रहे, लेकिन उन्होंने हम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन 30 वर्ष तक जिनके साथ हमारे राजनीतिक मतभेद रहे, उन्होंने हम पर विश्वास किया। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने कहा है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। क्या कह रहे हैं वकील विकास सिंह, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज हो गया है, पटना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मेरे को लगता है काफ़ी कुछ उसने निकाला होगा अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जहाँ तक रिया का पिटिशन डालने का सवाल है, रिया तो जब तक मुंबई पुलिस में केस चल रहा था तो उन्होंने ट्वीट किया था होम मिनिस्टर को कि इस मामले को सीबीआई में भेजा जाए। तो कोई भी सीबीआई की मांग क्यों करता है? तभी करता है ना जब उसको लगता है कि मुंबई पुलिस से उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है या न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्लियर था कि रिया को मुंबई पुलिस से संतुष्ट नहीं थी, वो सीबीआई चाह रही थी। अब जब पटना में एफआईआर दर्ज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन उन्होंने फाइल किया है, तो फिर वो क्यों मुंबई पुलिस के पास भेजना चाह रही हैं जिससे वो पहले से संतुष्ट नहीं थी? अब तो उनको सीबीआई मांगनी चाहिए थी ना, अगर ट्रांसफ़र ही कराना था तो सीबीआई ट्रांसफ़र कराती। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बड़ा स्पष्ट है कि सीबीआई की मांग करना वो एक विक्टिम कार्ड देने वाली बात थी, एक सिर्फ लोगों की सिंपथी लेने के लिए था। कभी भी इनका विचार नहीं था, कभी इंटेंशन नहीं था कि सीबीआई में जाए, क्योंकि इनको मालूम था कि मुंबई पुलिस सीबीआई को नहीं देगा। मिनिस्टर, उनके होम मिनिस्टर बार बार कह रहे थे कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, तो वो श्योर थी कि सीबीआई अपने आप जाएगा नहीं और ये खुद सीबीआई मांगेंगी, और इसी बहाने आम आदमी में उनको एक सहानुभूति मिलेगी कि भाई ये तो बेचारी, देखिए उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी सीआईबी इंक्वायरी मांग रही है।
तो इसलिए ये मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट में सब चीज हम खुलासा करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही उनके दोस्त सिद्धार्थ भी रहते थे। सिद्धार्थ से जब मीडिया ने बातचीत की और खासतौर पर उनसे पूछा उन 15 करोड़ रुपए के बारे में जिसका जिक्र सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में किया है, तो दिखाते हैं आपको कि सिद्धार्थ ने क्या कहा। ये सिद्धार्थ वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में उनके साथ रहते थे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। द फैमिली मेंबर्स दे हैव कॉल्ड मी एंड दे हैव मेंशनड अबाउट अ 15 करोड़ और ट्रांजैक्शन व्हिच हैपेंड इन फ्रॉम सुशांत अकाउंट टू दे आर सेइंग दैट रिया ने उन उस खर्चा करा है and you will tell the statement in a statement that this thing happened. I have told the family member, sir, with all due respect, I will only tell what I know, what I honestly believe, what happened in front of my eyes and everything. They are like, so tumko Patna aana padega, aaoge? I'm like, main Hyderabad mein hoon, Patna mein kaise aunga? And what suddenly there is a I have spoken with them, I have met them after the incident. They're really nice people, but suddenly this change of mode is like I got anxiety, and then I quickly contacted the police saying ki this is what the scene is, and they have given me an email address. To that email address, I was with Sushant from April 2019 to this July 5th onwards in the house. Yes. See, I wish I really know about it. Because अगर वो 15 crores के बारे में मैं जाना होता, if I knew about it, I would have given the statement on phone call only. Because I have no idea about this 15 crores, where the 15 crores came from, and what happened exactly. That's why I have no idea what to even comment on it.